हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी वेल इनफ यानी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के तरफ से। वेरियस पोस्ट की रिक्रूटमेंट है, जिसमें आपको स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो अगर आप भी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, तो एंड तक आप जरूर वॉच करना। चलिए, अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग फटाफट से इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। जैसा आपको बताया है कि इग्नू के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है। इग्नू, जिसका मतलब होता है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसके अंतर्गत आपका टोटल पोस्ट ना 102 आया है। दो सीट, जैसा मैंने आपको बताया, स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए। फर्स्ट पोस्ट के लिए आपका 52 है स्टेनोग्राफर का सीट, एंड सेकेंड आपका जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पर 50 सीट रखा गया। आइए देख लेते हैं कैटेगरी वाइज सीट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो पहले स्टेनोग्राफर की देख लेते हैं। जनरल का 23 सीट्स, ओबीसी के लिए 14 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है, एससी कैंडिडेट के लिए 7 एंड एसटी के लिए 3 सीट्स यहाँ पर रखी गई है। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए जनरल का 19, ओबीसी का 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है, एससी के लिए 8 एंड एसटी के लिए 4 सीट्स यहाँ पर रखी गई है। सो ये तो आपने देख लिया कि सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। आइए आगे देख लेते हैं कि आपकी फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगी। तो ये फॉर्म आपका ऑलरेडी स्टार्टेड है 1st of December से, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 21st December 2023 रहने वाला है। करेक्शन की डेट जो है, जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें अगर कुछ आपका गलती वगैरह होता है, उसको सुधारने की जो तिथि है 22 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर के बीच में आप करेक्ट कर सकते हो। आगे हम लोग देख लेते हैं कि एज की लिमिट क्या रखी गई है। सबसे पहले जानेंगे कि एज कब से कैलकुलेट होगा। तो फ्रेंड्स, योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 21st December 2023। स्टेनोग्राफर के लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 30 इयर्स। मतलब स्टेनोग्राफर के लिए मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, 18 से 30 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 27 इयर्स। मतलब कि कम से कम 18 और जिनका 27 साल है, वो सभी बच्चे उस बीच के जो भी कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। ओबीसी को मिलता है 3 इयर्स का, एंड एससी एसटी को मिलता है 5 इयर्स का रिलैक्सेशन। तो ये रिलैक्सेशन और भी कैटेगरी में डिवाइडेड होती है, जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाओगे डाउनलोड करके, वहाँ पर आप देख लेना। अगर फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो सिंपली जिन्होंने 10+2 पास आउट कर रखा है इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो सभी इलिजिबल रहने वाले हैं। डजंट मैटर कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस है, या फिर क्या परसेंटेज है, पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्शन की प्रोसेस की अगर यहाँ पर बात करी जाए, तो योर सेलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर टू स्टेजेस। टू स्टेजेस होते हैं Tier 1 एंड Tier 2। Tier 2 में होता है आपका ऑनलाइन CBT, विच मीन्स कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आधारित आपकी परीक्षा होगी। उसको क्वालिफाई करने के बाद Tier 2 में स्किल टेस्ट होगा। तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए आपका टाइपिंग का होगा, स्टेनोग्राफर के लिए टाइपिंग प्लस स्टेनो का स्किल टेस्ट होगा। आप जान लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको फी क्या लगेगा। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से लिया जाएगा 1600 रुपीज, एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट से लिया जाएगा 600 रुपीज। आइए आगे हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस पे जब पहुंच गए, तो देखते हैं कि एग्जाम की पैटर्न क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपका जो एग्जाम होगा ना, उसमें सिंपली 150 क्वेश्चंस रहेंगे 150 मार्क्स के लिए, और टाइमिंग और निगेटिव मार्किंग, ये दोनों में से कोई भी चीज ऑफिशियली अभी बताया नहीं गया, नोटिफिकेशन में नहीं दर्शाया गया। तो आइए अभी हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या आपको कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए रहेगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका मैथ्स है, मैथ्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए।
रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, एंड थर्ड आपका हिंदी और इंग्लिश, विच मीन्स कि हिंदी या इंग्लिश में से दोनों को एक ही सब्जेक्ट आप चूज करोगे उसके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। फोर्थ सब्जेक्ट है आपकी जनरल अवेयरनेस, उसके भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, ओवरऑल 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के लिए। सो आई होप कि एग्जाम की पैटर्न को आप समझ गए होंगे, और फ्रेंड्स इसके बाद इसको क्वालिफाई जब आप कर लेते हो एग्जाम को, तो आपका स्किल टेस्ट होता है। तो आइए देख लेते हैं स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग रहेगा तो दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग है, समझ लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए आपका टाइपिंग का जो स्किल टेस्ट होगा उसमें इंग्लिश का आपका स्पीड होना चाहिए टाइपिंग का 40 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट। स्टेनोग्राफर के लिए आपका स्टेनो 80 वर्ड्स पर मिनट का आना चाहिए टाइपिंग में, इंग्लिश का 40 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी का 35 वर्ड्स पर मिनट। तो आपका जब स्किल टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तब आप ज्वाइनिंग लेटर के बाद जब ज्वाइन करोगे तो सैलरी क्या मिलेगी मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। जो आपका स्टेनोग्राफर होता है ना फ्रेंड्स, उसके लिए सैलरी स्टार्टिंग में दी जाएगी 25,500 रुपीज। आफ्टर पर ईयर की इंक्रीमेंट एंड पर्क्स एंड अलाउंसेस, आपकी पर मंथ की सैलरी कितनी हो जाएगी 81,100 रुपीज आपको पर मंथ मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए आपका स्टार्टिंग की सैलरी है 19,900 रुपीज, एंड आफ्टर इंक्रीमेंट आपकी सैलरी हो जाती है पर मंथ 63,200 रुपीज। सो आई होप कि ओवरऑल आप सारा डिटेल समझ गए होंगे, और अगर कहीं पे भी कुछ आपको समझने में चूक हो गई हो, आप कुछ और इसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां पे जाके डाउनलोड कर लो। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो, मैं वहां पे आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो भर भर के लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को जरूर शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।